नमस्कार, डीडी प्रीमियर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले शानदार धारावाहिकों की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम धारावाहिक धूप छांव की। इस धारावाहिक में आज आपको देखने को मिलेगा कि इग्निस को लगता है कि आरती अपनी सास से खुश नहीं है, इसलिए वो आरती से मिलने उसके घर जाती है। इधर डेविड नैनी से मिलने उसके यहाँ आता है और अपने पुराने दोस्तों से भी मिलता है। कभी भी मेरी जरूरत पड़े एक पल के लिए भी मत सोचना, मैं जहां भी रहूंगा जैसे भी रहूंगा, हालात जो भी होंगे मैं पहुंच जाऊंगा। तुम यहाँ आई एग्नेस तो बहुत अच्छा लगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बल्कि मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि कल मेरी वजह से सब इतना परेशान हुए। तुम ये सब मत सोचो, पता नहीं ये बात मुझे कहनी चाहिए या नहीं। वैसे तुम अभी क्या कर रहे हो, मेरे ख्याल से कहीं घूमने चले? अरे नहीं अभी नहीं यार, मुझे गांव जाना है नैनी से मिलने। नैनी से मिलना है? हाँ, एक्चुअली क्या है ना, मेरी मम्मा से ज्यादा मैं नैनी की गोद में खेला हूँ, परसों से मुलाकात नहीं हुई यार। एग्नेस, मेरे ख्याल से मिसेस सान्याल को आराम करने देना चाहिए। तो अब आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए धारावाहिक धूप छांव सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे डीडी नेशनल पर। और धारावाहिक कॉरपोरेट सरपंच में आज आपको देखने को मिलेगा कि कीर्ति पर कराए हमले के मामले को सुलझाने के लिए पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इधर सरपंच और इंद्रेश दोनों की ही रातों की नींद उड़ गई है। अरे हुआ क्या है, ऐसे क्यों क्या जरूरत थी इस वक्त आने की? अरे मालिक, जैसे आपकी नींद उड़ी हुई है ना, ठीक वैसे ही मेरी भी उड़ी हुई है। और जो इस नींद की खुराक को दे सकता है वो कालू, उसका ठेका भी बंद है। अब मैं क्या करूं, जिससे नींद आएगी वो बंद है। अच्छा पता है, पुलिस स्टेशन में हमने शिकायत तो दर्ज कर ली लेकिन मैंने FIR नहीं करवाया, क्योंकि मुझे लगता है कि इस सिलसिले में कोई अपना शामिल है। इस हमले की प्लानिंग में तुम्हारे साथ कौन कौन था? जी और कोई नहीं था। झूठ नहीं, सच। मेरा यकीन कीजिए, मैं खुद इस गांव में रात के अंधेरे में छुपते छुपाते आई। तो अब क्या करेंगे इंद्रेश और सरपंच, जानने के लिए देखिए धारावाहिक कॉरपोरेट सरपंच सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे डीडी नेशनल पर। और धारावाहिक लाल रेखा में आज आपको देखने को मिलेगा कि रेखा लाल को अपने पिता का हत्यारा और देशद्रोही समझती है। उधर योगेश और पाठक पर लाल को ढूंढने का दबाव बढ़ता ही जा रहा है। जान का खतरा सर, वो तो मैं सर बागियों के लिए बोल रहा था सर। पर तक तुम्हें बागियों की जान की कितनी परवाह है? नहीं सर, मैं ये बोल रहा था सर, वो तो होते हैं सर मरने के लिए, लेकिन मरते मरते हमारे काफी सिपाहियों को मार जाते हैं वो। क्या हुआ, हाथ कांप रहे? उठाओ बंदूक और चलाओ गोली। हाँ हाँ, तुम देशद्रोही हो, गद्दार हो, तुम्हारी मौत मेरे हाथों ही होगी। तो अब आखिर क्या होगा लाल और रेखा की जिंदगी में, जानने के लिए देखिए धारावाहिक लाल रेखा सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। तो दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले इन शानदार धारावाहिकों का आप उठाते रहिए आनंद। हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार।